New success story. And today I am here with CMA Prashant Vera. He is cost accountant by profession and currently he is working at Gail India Limited. So ये story उन सारे working professionals के लिए बहुत important है जो ये सोच रहे होंगे क्या job के साथ CMA कर सकते हैं या नहीं. So Prashant के पास 6 years of experience है. इन्होंने L&T में काम किया है. अभी ही इज करेंटली वर्किंग एट गेल इंडिया लिमिटेड. सो ये अपनी सक्सेस स्टोरी बताएंगे और सारे टिप्स भी आपको बताएंगे किस तरीके से इन्होंने CMA अपने जॉब के साथ कंप्लीट किया है. एंड ही गॉट ए ग्रेट पैकेज ऑफ 16 lakhs इन इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड. सो ये स्टोरी एक अनदर लेवल की सक्सेस स्टोरी है. सो वेलकम प्रशांत, हाउ आर यू, कैसे हो आप? या थैंक यू, या आई एम गुड. हाय रोहन, and thanks for having me in your channel. Yeah, and much thanks for so energetic introduction. Yeah, welcome, thank you. So Prashant, first of all, मैं बहुत खुश हूँ कि आप अपने लाइफ में वो सारे अचीवमेंट्स ले रहे हो जो होप्स हो कि आप चाहते भी होगे अपने इनिशियल स्टेज से. सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रशांत, हम ये डिस्कस करना चाहते हैं कि आपने 12th के बाद, बिकॉज उसके बाद हमारे पास ऑप्शंस होता है कि हम किस क्वालिफिकेशन को या किस एरिया में अपने स्कोप्स को ज्यादा देखना चाहते हैं, तो आपने CMA को क्यों चूज किया? Yeah. जब क्लास 10th के बाद वी हैव द ऑप्शन नो वेदर वी कैन गो फॉर कॉमर्स स्ट्रीम एंड देन साइंस स्ट्रीम. सो एट दैट टाइम ऑल माय कलीग्स वेंट फॉर द दिस साइंस स्ट्रीम एंड मैं अकेला था जो मैं कॉमर्स के लिए लगा. मींस टॉप 10 कनाडा आई एम टॉकिंग अबाउट. सो मैं जब गया, सो माय टीचर्स वर शॉक्ड, व्हाई इज ऑप्टिंग फॉर कॉमर्स, व्हाई ही इज नॉट गोइंग फॉर साइंस, यू आर अ गुड स्टूडेंट, एकेडमिक्स इज गुड. So I thought, no, I have thought that because I want to give a new direction to my career. So I went there and then class 11th hua, 12th hua, 12th bhi kafi acha result hai. Then expectations were very high, you know, aapke 12th ke results agar 90% aa jaye to fir logo ke expectations bhi waisi badh jate hain ki isne kuch kamal kar rakha hai. Then schools se bhi bahut sare records break hue mere marks ki wajah se. All these things. So वहाँ पे जब मैं 12th में clear किया and then मेरे कुछ seniors लोगों ने, मेरे पापा के colleagues लोगों ने, उन्होंने मुझे suggest किया go for chartered accountant and some they suggested to go for CWA. Earlier it was like that, no ICWA. So उन्होंने बोला कि CA कर लो, ठीक है chartered accountancy कर लेते हैं. So I went for preparation of the foundation, that is CPD, right? So मैंने दिया वो जून पे होता है, but वो जून पे मेरा नहीं कि मैं मैंने I couldn't take fail to take the exam, so मैंने दिसंबर का attempt दिया. So marks भी बहुत अच्छा है, फिर मैंने CPD pass किया with distinction with 75%. फिर उसके बाद फिर expectations बढ़ गए लोगों के. तो उन्होंने बोला कि अब तो तुम्हें कर रही है, अब तो आप इंटर के लिए भी रजिस्ट्रेशन कर लो. बट उस टाइम पे थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या हो गई थी, मेरी कॉलेज स्टार्ट हो गई थी. आई गॉट एडमिटेड इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी विच इज गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी, दैट इज इन बिलासपुर छत्तीसगढ़. सो उसका भी एक अलग स्टोरी है. वहां पे एंट्रेंस एग्जाम होता है एंड देन वहां पे भी अगर आप टॉप 5 में आ जाओ तो फिर स्कूल वहाँ के जो यूनिवर्सिटी के फैकल्टीज होते हैं दे अप्रोच यू कि आप नहीं, आप छोड़ो मत, आप इसके साथ भी कर सकते हो, लाइक दैट. बट उस टाइम ऐसा होता है ना कि हमें ऐसा लगता है कि थिंग्स आर टू बिग, हमें बहुत डेडिकेटेड टाइम चाहिए, हम CA कर नहीं पाएंगे बिकॉज आई एम डूइंग ग्रेजुएशन. बट ये सब होता है कि इट इज ऑल अबाउट यू नो योर माइंड सेट. सो ये फिर मैंने सोचा कि चलो ग्रेजुएशन खत्म कर लेते हैं, देन आई विल गो फॉर CA अगेन, आई विल स्टार्ट CA. तो फिर जब ग्रेजुएशन में आया देन वहां पे मेरे को फंक्शंस ऑर्गेनाइज करना अच्छा लगता था. सो आई वाज इनटू द फेस्ट ऑर्गेनाइजर दोस थिंग्स. तो वहां पे पब्लिसिटी मिलने के बाद मुझे लगा कि अब तो ग्रेजुएशन लाइफ ही बहुत अच्छी है. सो आई कंटिन्यूड माय ग्रेजुएशन. या फिर वहां पे भी जब ग्रेजुएशन में खत्म हुआ तो फिर 84.5% ऐसा कुछ था मेरा. फिर वहां पे कुछ एक ही कंपनी आई थी, दैट इज L&T कंस्ट्रक्शन. और उन्होंने ऑल टुगेदर, इट वाज अ ओपन कैंपस, ऑल टुगेदर 600 स्टूडेंट्स आए हुए थे और उसमें से उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 4 या 5 स्टूडेंट्स से पिक किया. सो एट दैट पॉइंट इन टाइम आई वाज लकी इनफ कि ओ
L&T is such a big organization, such a big MNC. Right. वो उन्होंने सेलेक्ट किया, so I felt very proud. But वो that was not that lucrative, right? But family से मैंने पूछा तो उन्होंने बोला कि ठीक है, L&T है, बड़ा नाम है, चले जाओ. So I went there. तब तक मेरे प्लान फिर यही CA वाला और ICWA वाला प्लान पूरे ड्रॉप हो चुके थे, because I was joining into a MNC. Right. ठीक है. जब मैं MNC ज्वाइन किया, वहां पे मेरे को अभी जो फिलहाल मेरे एक मेंटोर हैं मिस्टर अनुभव मजुमदार जी, उन्होंने मुझे बहुत बहुत बताया कि ग्रेजुएशन किया है, कोई फ्यूचर नहीं है भाई, कुछ तो करना पड़ेगा तुझे. तो मैंने बोला कि अब मैं क्या करूँ. उस टाइम तक ऐसा था कि चलो MBA कर लेंगे, बिकॉज व्हेन आई वाज इनटू द फाइनल सेमेस्टर ऑफ माय ग्रेजुएशन आई वाज इनटू दिस प्रिपरेशन ऑफ दैट कैट मैट जैट व्हाटएवर एग्जाम्स कंप्लीट फॉर MBA. यस फॉर MBA. Unfortunately, मेरा CAT में उतने अच्छे percentile नहीं आए, तो फिर मैंने सोचा कि चलो L&T join कर लेते हैं, and then I will have gained some experience, and then I will go for MBA. Okay. But वहाँ पे जाने के बाद मुझे पता चला, ना, अगर आपको finance stream में रहना है, so either you go for these professional exams, उसकी ज्यादा value है, rather than MBA. Because MBA in finance, अगर आपको MNC में घुसनी है, तो you will have to get into the IIMs only. IIMs, NIPs and all these things, top institutes. आप अगर MBA करके finance में आना चाहते हो, so it is really tough, क्योंकि already professionals are there. तो तब मैंने सोचा कि okay, now CA is, नहीं, ये भी guidance मुझे मिला कि अब अगर आप CA start करोगे तो it will be very tough, क्योंकि 3 साल की articleship होती है, and आपको जब अच्छे package मिलने start हो जाते हैं, तो you won't go back to 3,000-4,000 stipends for 3 years long. Yeah. Right, so इस तरीके से मैंने सोचा कि ठीक है, then what is the other option? So उन्होंने बोला कि CMA करो. He was also pursuing. तो मैंने बोला कि ठीक है, we'll together we'll do it. So फिर हमने ये स्टार्ट करी CMA की जर्नी. उन्होंने फर्स्ट एग्जाम दिया ग्रुप वन, उन्होंने मेरे साथ स्टार्ट करी. He is around मेरे से 8-10 साल बड़े होंगे. उन्होंने मेरे साथ स्टार्ट किया, उन्होंने ग्रुप वन दिया, उनका क्वालिफाई हो गया, मैंने ग्रुप वन दिया. मेरा प्रिपरेशन भी अच्छा नहीं हो पाया था, बट मैंने उन्हें बोला कि मैं बैठूंगा एग्जाम में. सो आई वेंट फॉर द एग्जामिनेशन, और रिजल्ट जब आया मेरा इंडिविजुअल सब्जेक्ट से पास हो गया, बट एग्रीगेट नहीं क्लॉक हुआ. I was so disappointed, but उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि ठीक है, एक ही बार तो दिया, वो भी मुझे पता है कि मैंने पढ़ के नहीं दिया, तो let's take it another round. तो फिर मैंने दोबारा दिया उसे. So it was like this only. फिर उस टाइम पे ना हमारे एक और वहां पे मैं I would say my second mentor, वहां पे उन्होंने बोला कि हम दोनों का एग्जाम देने के लिए बोला, मिस्टर अनुभव जी एंड माइसेल्फ, उन्होंने बोला कि आप लोग एग्जाम दो, मैं चेक करूंगा. ही वाज अ क्वालिफाइड सीएमए. ओके, ठीक है. यस यस, तो उन्होंने बोला यार तुम्हारी प्रेजेंटेशन तो बहुत अच्छी है, बस तुम्हें थोड़ा सा प्रिपरेशन करना है, तुम्हारा ऐसे ही क्लियर हो जाएगा. मैंने बोला अच्छा, इतना ईजी है क्या? तो एक होता है कि आपको ना होता है कि हमें अपने अंदर में कॉन्फिडेंस नहीं रहती है, बट सामने वाला जब आपको बोलता है ना, सो आप यू गियर अप. तो ये इस तरीके से मेरे अंदर में मतलब कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा. फिर मेरा वहां पे रहते रहते इंटर क्वालिफाई हो गया, बट व्हेन आई वेंट टू द फाइनल्स, वहां पे मेरी जॉब प्रोफाइल्स भी बढ़ गई थी, मेरे वर्कलोड भी इतने बढ़ गए थे, तो मुझे थोड़ा सा टफ हो गया सिचुएशन. तो मेरा पढ़ाई से छूट गया था थोड़ा. Okay. मैं को टाइम भी मैनेज नहीं हो पा रहा था, एंड वहां पे ऐसा था कि ना, जब आप घर आते हो, आप जब ऑफिस से घर आते हो, तो यू आर प्री ऑक्यूपाइड विद मेनी थॉट्स, क्योंकि आपका किसी कलीग से लड़ाई हो गया होता है, कलीग से बहस हो गया होता है, बॉस ने ऐसा डांट दिया, ये काम ऐसा नहीं हुआ, और नेक्स्ट डे के प्लान्स ऐसे होते हैं, तो फिर थोड़ा सा टफ हो जाता है. तो फिर भी मैंने ये सब इस टफनेस को दूर करके थोड़ा सा टाइम देता था, लेट्स से कि 1-2 घंटा मैं पढ़ लेता था. बट दैट 1-2 आवर इज वाज रियली इफेक्टिव इन माय केस. तो इस तरीके से मैंने फाइनल्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करी. मीनवाइल फिर गेल का ओपन इंटरव्यू आया था, ओपन रिक्रूटमेंट था,
सो उसमें उन्होंने ऑनलाइन एग्जाम के लिए बुलाया था, ऑल इंडिया बेसिस पे ऑनलाइन एग्जाम था, 4 सेंटर थे. तो आई वेंट टू कोलकाता फॉर द एग्जाम. सो वहां पे मैंने एग्जाम दिया, फिर मैं एग्जाम दे के भूल भी गया था कि मैंने कोई एग्जाम दिया करके. फिर ऑल ऑफ अ सडन एक दिन मुझे कॉल आता है कि यू आर शॉर्टलिस्टेड, कम टू नोएडा फॉर इंटरव्यू. तो फिर वहां पे भी 11 बजे तक चली इंटरव्यू एंड ऑल दिस थिंग्स, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन. तो फिर 11 बजे रिजल्ट जब आया, I was happy कि मैं एक ऐसे जगह से निकल रहा हूँ जहां से मतलब मुझे टाइम नहीं मिल रहा था सीए में कंप्लीट करने के लिए, अब मुझे टाइम मिल सकता है. या डेफिनेटली पीएसयू के टाइमिंग्स होते हैं, आप इसी टाइम के ही होते हैं, तो फिक्स टाइम होती है, फिर 5 डेज वर्किंग भी होती है, दैट डिपेंड्स ऑन द लोकेशन. तो मेरे को इनिशियली कॉर्पोरेट पोस्टिंग मिल गई विच इज इन दिल्ली. तो यहाँ पे 5 डेज वर्किंग मिला, मुझे काफी टाइम मिला. एंड देन मैं लक्ष्मी नगर चला गया. आते ही साथ मैं जैसे सैटरडे संडे आता था, मेरा पूरा दिन सैटरडे संडे लक्ष्मी नगर पे होता था, राइट फ्रॉम 6 AM to 9 PM. मैं और कुछ नहीं करता था. मैं यहाँ पे आने के बाद मेरे फ्रेंड्स बने, बट मैं अपने फ्रेंड सर्कल्स को बहुत लिमिट कर गया, क्योंकि आप अगर फ्रेंड सर्कल्स बढ़ाओगे तो आपको इच्छा होगी घूमने फिरने की, तो फिर आप अपने मेन गोल से डाइवर्ट हो जाओगे. राइट. सो इस तरीके से फिर मैंने एग्जाम दिया यहाँ पे लकीली. और यहाँ पे आने के बाद माई मेंटर वाज माई बॉस, हिज नेम इज मिस्टर प्रमोद अग्रवाल, ही इज आल्सो क्वालिफाइड सीएमए. तो उन्होंने काफी मुझे हेल्प करा मेरे पूरे जर्नी पे, एंड मेरे जितने भी डाउट होते थे डायरेक्ट टैक्सेशन के वो ही सॉल्व करते हैं. इवन आई एम आल्सो इनटू द डायरेक्ट टैक्सेशन प्रोफाइल ऑफ द कंपनी. ओके. सो इसलिए मेरा डायरेक्ट टैक्स बहुत अच्छा हो गया यहाँ पे आने के बाद. ग्रेट ग्रेट. सो तो आपने उसके बाद अपने सीएमए में अटेम्प्ट्स आपके नहीं लगे, आपके सारे फर्स्ट अटेम्प्ट्स में क्लियर होने लगे? नो अटेम्प्ट्स लगे. पहला वाला आप पहला ग्रुप दिया मैंने, वो फेल हो गया मैं. ओके. उसके बाद स्टार्टिंग करना मतलब इट वाज रियली डिफिकल्ट, क्योंकि एक होता है कि पहले ही लेवल पे आप अगर ड्रॉप हो जाओ तो फिर तो मेरा एक वहां पे लगा था, एंड देन फाइनल्स का एक यहाँ पे इनिशियली. हाँ ये मैंने कवर अप करना भूल गया, बिकॉज जब मैं दिल्ली आया था तो तब वो दिल्ली की हवा लग गई थी थोड़ी, घूमना फिरना ये वो. सो उस टाइम ना कंसेंट्रेट नहीं हो पा रहा था इनिशियली. सो मैंने बोला कि नहीं, एक बार मैं जाके एग्जाम में बैठता हूँ, ठीक है नहीं आएगा नहीं आएगा, लेकिन मुझे अगर रिजल्ट खराब आएगा ना तो आई विल फील कि मतलब मेरा एग्जाम खराब हुआ है, अब मुझे पढ़ना चाहिए. Right. So, उसके लिए ना मैंने अपने दो अटेम्प्ट्स वेस्ट किए, बट आई एम हैप्पी कि मैंने अपने दो अटेम्प्ट्स वेस्ट करके क्वालिफाई किया. दैट इज रियली रिलैक्सिंग रिलीविंग फॉर मी. सो बहुत अच्छा मतलब रही आपकी जर्नी. देन जब आप क्वालिफाई कर गए थे एंड आप ऑलरेडी गेल इंडिया में जॉब कर रहे थे, देन आपने कैंपस के लिए क्या सोचा था? कुछ हो सकता है जब मैं क्वालिफाई कर गया था, इट वाज अ यस यस जब मैं क्वालिफाई कर गया था, अब वहां पे फिर से एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाते हैं. तब तो मेरे भी एक्सपेक्टेशंस बढ़ गए थे. सो मेरे साथ साथ मेरे फैमिली के एक्सपेक्टेशंस, मेरे मेंटर्स की, मेरे कलीग्स की, सबकी मैंने एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई थी. सो उस टाइम पे काफी एक होता है ना, आप अगर पीएसयू में है तो यू नो द प्रोसेस की मतलब अगर पीएसयू में आना है तो सिर्फ दो ही रूट होते हैं, वन इज कैंपस एंड अनदर इज ओपन रिक्रूटमेंट. So campus mein, what is the shortlisting process? Sometimes some PSUs they shortlist based on the marks. Some they prefer all India ranks. Some they go for means a first attempt candidates. So that depends. So मुझे जब मेरी interview थी 11th को थी, 7th of April तक मुझे कोई भी कंपनी की शॉर्टलिस्टिंग नहीं आई थी. I was little worried. Okay. Now अब क्या करना है? So फिर मैंने LinkedIn में गया, LinkedIn में सर्च किया, कुछ प्रोफाइल्स मिलेंगे यार. तो KPMG से कुछ इंटरेक्शन हो रहे थे, तो वहां पे कुछ लग रहा था कि चलो एक बिग फोर में तो मैं जा सकता हूँ. I was open कि मैं कहीं प्राइवेट में भी जाऊँ तो आई विल गो फॉर बिग फोर और इधर PSU. यही टारगेट था मेरे. तो मेरे को इंटरव्यू कॉल के लिए आफ्टर 7th को IOC का आया, 7th को IOC का आया, एंड देन 10th को गेल का आया, एंड अगेन 10th
right? No, no. Ninth ko Gale ka aaya, and then 10th ko do big fours aaya, that is Deloitte and EY. Okay. So I was happy ki chalo, char option to hai mere paas abhi. Yeah, definitely. Now, I have to perform. So luckily, फिर मैंने preparation मैंने दो PSUs के लिए काफी अच्छा preparation करके गया था. मैंने गेल के थे एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ डाले थे. इवन डे टू डे लाइफ में भी पढ़ना होता है तो फिर, लेकिन बाकी बिजनेस प्रोफाइल्स उसके डीप में पूरे मतलब 319 पेज का एनुअल रिपोर्ट था, वो पढ़ा मैंने. यस यस. फिर मैंने आईओसी का भी पढ़ा. ओके. सो ये थोड़ा हेल्पफुल रहा फिर इंटरव्यू पे. सो बेसिकली अगर बैक टू द पॉइंट, आफ्टर क्वालिफाइंग सीएमए बहुत ही टेंशन हो गई थी क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई थी. आई हैव टू मीट माय एक्सपेक्टेशंस. या डेफिनेटली. सो फिर इंटरव्यू में जैसे आपने गेल का भी आपने इंटरव्यू दिया था एंड आईओसीएल का भी आपने इंटरव्यू दिया था. सो उसमें लेबल्स क्या थे इंटरव्यू के, मतलब कितने राउंड्स ऑफ इंटरव्यू हुए थे और किस टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे? ओके. या यहां पे क्या हुआ था कि ऑन 11th ऑफ अप्रैल मेरी दो कंपनी की इंटरव्यू थी, दैट इज गेल एंड आईओसी. गेल का कॉल नहीं आया था, पहले आईओसी का इंटरव्यू हुआ था. इंटरव्यू से पहले आईओसी का दो लेवल और थे, दैट वाज ग्रुप डिस्कशन एंड ग्रुप टास्क. ये दो लेवल क्वालिफाई, मतलब उनका तीनों लेवल का प्लान था, सब हर कैंडिडेट को तीन लेवल क्रॉस करने, तीन लेवल में होगी पार्टिसिपेशन. तो मेरा ये दो हो गया, इट वेंट वेरी गुड. और इसके पीछे का राज भी मैं बताऊंगा कि क्यों. फिर इंटरव्यू के लिए कॉल आया दोपहर में 3 बजे. मैं तो तब तक, मैं एक्चुअली लंच कर नहीं रहा था क्योंकि मुझे पता लंच करूंगा मुझे थोड़ा सा हैवी फील होगा, फिर अच्छा नहीं लगेगा. एंड देन फिर एनीवे उन्होंने बोला कि अब जो भी होगा वो 3 बजे के बाद होगा. तो 3 बजे मुझे बुलाया गया इंटरव्यू के लिए. आई वॉज रियली नर्वस कि मतलब इंटरव्यू के लिए, दैट आईओसी, मतलब पैनल में देखा तो 6 लोग बैठे हैं पैनलिस्ट में. So, फिर पहले गेल आईओसी में इंटरव्यू हुआ तो आईओसी ने बोला कि ठीक है आप बाहर पे वेट करो हम बताते हैं. फिर आफ्टर 15 to 20 minutes उन्होंने दोबारा कॉल आउट किया मुझे. Okay. उन्होंने फिर डिस्कस किया लोकेशन के बारे में. Okay. So, लोकेशन में इन डिटेल बताऊं अभी कि बाद में बताएं? नहीं नहीं बाद में बताइएगा. ओके परफेक्ट. सो लोकेशन डिस्कस हुआ, उन्होंने बोला कि का वेलकम टू आईओसी फैमिली. तो फिर वहां पे इंस्टीट्यूट के नॉर्म्स होते हैं ना, अगर किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का पास ऑफर आ गया तो यू आर नॉट सपोज्ड टू जॉइन सिट इन द अदर इंटरव्यूज. तो आई वाज अनफॉर्चुनेट इनफ टू नॉट टू सिट इन द गेल इंटरव्यू. ओके. सो देन ओके. सो मेनली जब मैं अगर मैं इंटरव्यू का एक्सपीरियंस आपको शेयर करना चाहूँ तो जब आईओसी का कॉल आया था इंटरव्यू के लिए, जब मैं एंटर किया रूम पे तो आई वाज सो नर्वस कि मैंने एक पैनल, मतलब पैनल 6 लोग बैठे हुए हैं. सो एक साइड पे मैं उनके गुड मॉर्निंग बोल रहा हूँ 3 PM एंड एक साइड में गुड आफ्टरनून बोल रहा हूँ. सो यू कैन चेक, यू कैन सी मतलब हाउ नर्वस आई वॉज. बट पैनल डिडंट माइंड इट, उन्होंने बोला कि ओके सेटल डाउन. Then, जैसे ही मैंने बैठा वहां पे सो उसके बाद तो मतलब क्वेश्चंस की मतलब फायरिंग हो गई मेरे ऊपर. रुकी नहीं रहे उन लोग, मुझे सांस तो लेने दीजिए. नो मतलब क्वेश्चंस के ऊपर क्वेश्चंस, क्वेश्चंस के ऊपर क्वेश्चंस. बट इट वाज वेरी नाइस क्योंकि मैं उसके बाद से जब मेरा फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा चला गया उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस दोबारा एकदम रिबिल्ट हो गया. तो फिर मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया. So it's all about, you know, mindset and your confidence. वहाँ पे अगर आप थोड़ा first question में अगर थोड़ा सा लो हो जाएगा आपका confidence तो पूरा interview spoil हो सकता है. So in my case, मेरा first question बहुत अच्छा था. तो मेरा first question actually interviewer ना doubt पूछा मुझसे कि you passed your class 12th on 2013 and this is 2022. आपने इतना लंबा period कैसे लिया? So, उस टाइम पे मुझे समझ में नहीं आ रहा कि व्हाट शुड आई से. तो मैंने बोला मैंने ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट किया है एंड ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट किया तो 2017 में एक्चुअली मैंने स्टार्ट किया है. सो 2017 टू 2021 एंड एक साल आपका कोविड की वजह से मेरा डिले हो गया. yes. क्योंकि अटेम्प्ट्स एक ही होते थे ना एक साल पे. यस यस.
So they said, yeah, it's justified. It's okay. Then उसके बाद जब questions answers की बात हुई, so मैंने questions वैसे list down किए हैं, recall कर करके. आप चाहोगे तो मैं बताऊँ questions अभी. हाँ, आप बताओ कुछ. Okay, okay. So उसके बाद मुझे पूछा गया lifetime costing के बारे में. Okay. Then what is NPV? What is IRR? Then एक question थोड़ा सा practical aspect में था. Ki now the dividend is taxable in the hands of the shareholders and the companies as well. So abhi usse bachne ka kya option hai? So kyunki mera tax profile hai, to I was happy to answer that question. It is abhi ek option hai na, aapke paas ATM ka option hai. So usse unhone bola ki aap profit, kyunki maine section ko refer karke bataya, to they were happy. Yeah, definitely, definitely. Yes. Yeah, फिर उसके बाद मुझे पूछे कि who is the minister of ministry of petroleum and natural gas and what other profile is he is looking after other than this MOPNG. So ये था. फिर मतलब मेरे से पूछा गया कि आप अभी गेल पे working है, तो why do you want to leave गेल? So फिर मैंने answer किया कि I want to justify my profession right now. वहाँ पे मैंने inter qualify करके गया था, तो अभी now this is yeah. So उसके बाद मुझे पूछा गया कि what is the cheapest source of fund, and this was really a big question. Cheapest source of fund तो ठीक है, मैंने बता दिया कि it's a loan source, but at that point of time I was thinking कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, कि what he want to listen. फिर going ahead, फिर उन्होंने बोला, उन्होंने पूछा कि shall we prefer loan, तो मैंने बोला yes, why not. I'm audible na? Hello? You are audible, but your video is stopped. Yeah, no, it is okay. Okay. Now, okay. They asked that, shall we prefer loan? I'm like, yes, we can. Because owner's fund, having like, you know, the expectations is more, yes, the risk is more, is the return high. Return is high. Right. So in case of, they asked, in case of IO sales pattern of source of funding, what do you observe? तो फिर मैंने क्यों ये पढ़ के गया था, बहुत सारे रेशियोस पढ़ के गया था, तो आई कोटेड दैट डेट इक्विटी रेशियो इज लिटिल हाई एट दैट इज 0.95 इन आईओसी. सो इट सेज दैट द कंपनी इज मोर रिलायंट अपॉन द डेट फंड. तो मैंने बोला ओके ओके. सो व्हाट इज द आइडियल रेशियो फॉर डेट इक्विटी रेशियो, दे आस्क्ड. मैंने बोला आइडियल इज 2:1, बट बीइंग अ पीएसयू, personally I would say the ratio should be 1:1. So in my dictionary, the IOC's debt equity ratio is at par 0.91, 995 actually. Okay. About that, then what is the schedule 3 changes. Recently? And then what is CARO 2020 and how it is different from 2016? Okay, this was the question. These are the questions which was not, which I wasn't expecting, because I thought my profile is taxation, so they will purely ask with taxation related questions. And that was the biggest mistake I carried upon. So इसलिए मैं अपने juniors, अपने colleagues को भी बोलना चाहूँगा कि it's not like, because it's a campus placement, they are looking for a candidate who can be fitted in any position or any profile. So इसलिए ये भी एक उनकी thought process हो सकती है. Then उन्होंने पूछा मुझे what is the difference between GAIL and IOC. Then what is, if a project is a loss making, how do we recover cost. ये थोड़ा सा practical था. फिर मुझे पूछा गया कि what is section 115 BAA, that is the new regime taxation, and how it is impacting, how it will impact the deferred tax. तो ये थोड़ा प्रैक्टिकल था. आई वॉज एबल टू आंसर बिकॉज मेरा प्रैक्टिकल एक्सपोजर है. हाँ, डेफिनेटली. सो ये थोड़ा हेल्पफुल था. देन मुझे ये बायबैक एंड उसके टैक्सेशन के बारे में पूछा गया, बिकॉज गेल अभी बायबैक कर रही, तो हो सकता है उनका, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा मुझे. क्वेश्चन पूछा उन्होंने. यस. एंड वन मोर क्वेश्चन दे आस्क्ड दैट व्हाट आर द सजेशंस यू गेव टू L&T एंड गेल बीइंग इन एम्प्लॉयमेंट. ओके. सो I was prepared. Okay. So मैंने बताया, मुझे मैंने एक पॉइंट बताया L&T के लिए, दो पॉइंट बताया गेल के लिए. They were happy. Okay. एक और क्वेश्चन ऐसा पूछा गया जो मेरे को समझ में नहीं आया, and I couldn't answer.
what is the modern accounting which is being accepted by all the organizations currently. So yeah. ye thoda sa me se me ko samajh mein bhi nahi aaya. Ek aur question pucha gaya, what is critical path? Critical path. So all these questions, yeah. Critical path, I think humne isme network network diagram ke chapter mein networking, yes, yes, yeah. yes. Strategic cost management ka jo part hai. Part hai. Spain. Yeah. Yes, yes. So ye bas yehi question the. We took around 30 minutes interview. So बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे उन्होंने फिर भी आपसे, एंड आपने उसको अच्छे तरीके से आंसर किया है, बहुत बड़ी बात, अच्छी बात है. सो या आफ्टर द इंटरव्यू गॉट ओवर आई वाज सो कॉन्फिडेंट, लाइक आई वाज कॉन्फिडेंट कि बहुत अच्छा इंटरव्यू गया है तो रिजल्ट भी अच्छा आना चाहिए. एंड डेफिनेटली सो बाकी आफ्टर 15 टू 20 मिनट्स के बाद उन्होंने दोबारा कॉल किया तो मुझे इंट्यूशन हो गया था कि आई थिंक मतलब अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छा फील हुआ होगा, वो मोमेंट बहुत स्पेशल होता है. सो फिर अपने घर पे बताया तो फिर कैसा रिएक्शन कैसा था मम्मी पापा फैमिली मेंबर का? मेरी आपकी क्वेश्चन प्लीज रिपीट कर देंगे, आपका वॉइस. मैंने बोला कि जब आपने अपने घर पे इन्फॉर्म किया कि आपका इंडियन ऑयल में सिलेक्शन हो गया है एंड आपको 16 लाख का पैकेज ऑफर हुआ है, तो उनका रिएक्शन कैसा था? दे वर लाइक ओह माय गॉड, मतलब वाओ. तुम मतलब ऐसा होता था ना, मैंने बहुत सैक्रिफाइस किए, मेरे पेरेंट्स ने भी बहुत सैक्रिफाइस किए हैं. मैं 3-4 दिन लगातार बात ही नहीं करता था क्योंकि मेरा मोबाइल स्विच ऑफ पड़ा रहता था. तो उन्होंने मुझे वो रिमाइंड कराया, देखा 3-4 दिन नहीं बात किया तुमने, उतने दिन मेहनत किया. सो आज हमें बहुत मतलब गर्व महसूस होता है, मतलब मम्मी ने तो बहुत कुछ बोला. सो मम्मी तो बहुत खुश हुई, पापा भी. फैक्ट बहुत खुश हुए. मम्मी को ही कॉल किया, उसके बाद मेरे मेंटोर को कॉल किया जो मेरे बॉस है करेंटली, तो ही वॉज ऑल्सो हैप्पी. They all were expecting कि मतलब मेरा शायद गेल में इंटरव्यू होता तो फिर और अच्छा हो सकता था, but unfortunately नहीं, जो होता है वो अच्छा ही होता है. Yes, right. I felt very proud कि मैं Fortune 500 company का part बनने वाला हूँ, so itself a big achievement. Yeah, great. And hope so कि आपकी new journey भी काफी interesting हो and काफी अच्छी हो. Yeah, anxiously waiting to join. Yeah, definitely. So, बच्चों को कुछ टिप्स आप अपने साइड से देना चाहोगे कि उन्हें क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए, डेफिनेटली कि एक एग्जाम को बहुत कम टाइम में भी कंप्लीट किया जा सकता है, जो गलतियां आपने की वो ना करे वो. Yes. हाँ, ड्यूरिंग माय होल करियर मैंने बहुत सारे मिस्टेक किए, बहुत सारे हिट एंड ट्रायल अपना है. सो अगर मैंने हिट एंड ट्रायल किए तो आई वुड suggest my dear friends, colleagues and my juniors कि आप लोग hit and trial मत करिए. Syllabus is very good, curriculum भी बहुत अच्छा है, बस the only thing is आपको time देना पड़ेगा. There is no substitute of that, आपको अपना time देना पड़ेगा, hard work चाहिए इस profession में, और practical exposure भी बहुत जरूरी है. So आपका जो भी 1.5 साल की training होती है, you have to be very serious enough in that. Yeah, definitely. And I would also add ki apart from your studies, apart from your study mat, aap day to day business news bhi follow kariye. You read ET, either aapko samajh mein aata hai nahi aata hai, you don't worry about that. Aap padhna start kariye, aapko fir samajh mein bhi aane lagega. Aap jab tak actually dekhiye, jab difficult thing kab hota hai, when we don't know the thing, that becomes difficult. So isliye hame janne ke liye padhna padega. एंड हमारा प्रोफेशन ऐसा है, फ्यूचर में आपको पढ़ना ही पड़ेगा. yeah, हमेशा आपके डेस्क पे हमेशा बुक खुला रहेगा, बिकॉज़ यू हैव टू बी अपडेटेड इनफ विद द टैक्सेशन, विद द अमेंडमेंट्स कमिंग इन. तो ये सब है, तो इसलिए आई वुड से कि आप करिकुलम भी फॉलो करिए, स्टडी मैट भी फॉलो करिए, उसके साथ साथ आप अपडेटेड रहिए बिजनेस न्यूज से. और इसके साथ साथ मैं ये भी बोलूंगा कि ये प्रोफेशन आपका पेशेंस टेस्ट करता है, तो आपको अपना पेशेंस एकदम हाइट पर रखना है. या यू हैव डोंट गिव अप, क्योंकि अगर एक अटेम्प्ट में नहीं होता है, दो अटेम्प्ट लगेंगे, क्या ही हो जाएगा. आपके पास एक लाइफ टाइम अचीवमेंट तो रहेगा, यू विल बी फीलिंग प्राउड ऑफ दिस प्रोफेशन फॉर द नेक्स्ट 40 टू 50 इयर्स.
अगर आप क्वालिफाई नहीं करोगे तो यू विल रिपेंट ऑन योर डिसीजन कि आपने दोबारा क्यों एग्जाम नहीं दिया, क्योंकि आज हमें जो टफ लगता है वो कल के डेट में इजी लगेगा, बट उसके उस टाइम पे आपके पास टाइम नहीं होगा फिर से एग्जाम देने का. यू विल बी यू नो एनग्रॉस्ड विद द फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑल दिस थिंग्स. तो उस टाइम इसीलिए जो करना है अभी करना है, बाद के लिए कुछ मत रखिए. बाकी 40 साल अगर आपको रिग्रेट फील नहीं करना है तो आज के इसी अटेम्प्ट में नेक्स्ट अटेम्प्ट में नेक्स्ट टू नेक्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कीजिए. या डेफिनेटली बहुत अच्छी बातें आपने कही. सो बहुत अच्छा लगा मुझे भी सुनकर. थैंक यू सो मच. सो हम इस सेशन को कंक्लूड करते हैं एंड होप सो कि स्टूडेंट भी इसको एंजॉय करें. यस लेट्स सी. या डेफिनेटली.